शांति। आज की तारीख है 18/12/13 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है सदा हम बच्चों को उड़ती कला में ले चलने वाले और उड़ती कला से हमें अपने घर पहुंचाने वाले मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे पुरानी दुनिया से ममत्व छोड़ सर्विस करने का उमंग रखो, उल्लास में रहो, सर्विस में कभी थकना नहीं है, क्योंकि सर्विस का प्रत्यक्ष फल है खुशी। तो हम सर्विस करते रहेंगे तो हम खुश रहेंगे और खुश रहते हैं खुश नसीब। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सर्विस में कभी थकना नहीं है। प्रश्न है, जिन बच्चों को ज्ञान का नशा चढ़ा होगा उनकी निशानी क्या होगी, उनके लक्षण क्या दिखेंगे? उत्तर है, उन्हें सर्विस का बहुत बहुत शौक होगा, वो सदा मनसा और वाचा सेवा में तत्पर रहेंगे, सबको बाप का परिचय दे सबूत भी देंगे, बादशाही के स्थापन करने के निमित्त सहन भी करना पड़े तो वो सहन भी करेंगे, बाप के पूरे पूरे मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की वो सेवा करेंगे। गीत बजा है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। धारणा के लिए मुख्य दो बिंदु, नंबर एक बिंदु है बुद्धि योग एक बाप से रखना है, मन मना भव के छू मंत्र से इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है। नंबर दो है सर्विस में कभी थकना नहीं है, स्थूल सेवा के साथ साथ रूहानी सेवा भी करनी है, अर्थात सर्विस करने जाने वाले भाई बहने या बिजनेस करने वाले भाई बहने उनको अपनी लौकिक सर्विस के साथ साथ बाबा कहते हैं ये रूहानी सेवा भी करनी है। मन मना भव का मंत्र सबको याद दिलाना है, वरदान है दिल के स्नेह और संबंध के आधार पर समीपता का अनुभव करने वाले निरंतर योगी भव। ब्राह्मण आत्माओं में कोई दिल के स्नेह और संबंध से याद करते हैं और कोई दिमाग अर्थात नॉलेज के आधार पर संबंध को अनुभव करने का बार बार प्रयत्न करते हैं। जहाँ दिल का स्नेह और संबंध अति प्यारा अर्थात समीप है वहाँ बाबा की याद भूलना मुश्किल है। जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है ऐसे आत्मा में निष्पल अर्थात हर पल बाप की याद समाई हुई है, इसको कहते हैं दिल की स्नेह संपन्न बाप की निरंतर याद। स्लोगन है आज का, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करो तब सफलता मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।